एम्पावर पीपुल और एटीसीआर का ये जो ज्वाइंट वेंचर है, ये जो प्रोग्राम है मास अगेंस्ट ड्राइव ट्रैफिकिंग, वो 8000 किलोमीटर का पूरा प्लान है जिसमें हम आसाम से दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं। करीब एक महीना पहले ये यात्रा बांग्लादेश बॉर्डर के पास से शुरू हुई आसाम में, और अब हम यहाँ पहुँचे हैं। कई डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, छोटी छोटी बाजारें और तमाम जगहों पे हमने बात की, लोगों के साथ मुखातिब हुए, लोगों के बीच बात रखी और एक एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट, सिविक एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट निर्माण की, सिविक एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट बनाई। हमारा उद्देश्य इस मार्च का, हमारा उद्देश्य इस पूरे मूवमेंट का इकलौता है, एक है, वो ये है कि हम जो नागर समाज हैं, हम जो सिविल सोसाइटी हैं, वो कितना बेहतर ढंग से अपने ही परिवारों, अपनी ही बेटियों, अपनी ही माओं की रक्षा करने में सक्षम है, इसकी संभावनाओं को टटोला जा सके। साथियों, बड़े दुख की बात है कि आपका ये स्टेट, आपका ये पश्चिम बंगाल देश में सबसे ज्यादा लड़कियों की तस्करी के लिए बदनाम राज्य है। ये सबसे खतरनाक बात है कि सबसे ज्यादा हर 100 लड़कियां जो ट्रैफिक होती हैं, उनमें से 36 लड़कियां आपके स्टेट की होती हैं। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि ये जो पूरी पट्टी है मालदा, मुर्शिदाबाद और तमाम जो आसाम से लगता हुआ पूरा ये एरिया है, पूरी पट्टी है, ये पूरा एरिया जो है ऐसी बातों के लिए मशहूर है, बदनाम है। इसलिए जो पुलिस काम कर रही है, जो सरकार काम कर रही है, उसको तो करने दें, साथ साथ हम नागर समाज जो है, हम जो सोसाइटी है, हम जो परिवार के लोग हैं, हम भी एक कोशिश करें, हम भी एक मजबूती से आवाज उठाएं और इस तरह के जो खौफनाक ट्रेन चल रहे हैं इनको रोकने की कोशिश करें, और ना सिर्फ कोशिश करें बल्कि इंश्योर करें कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी लड़कियां रोकी बेची नहीं जाएंगी। वो किसी स्टेट में, भले वो शादी के नाम पे हो, रोजगार के नाम पे हो या किसी और नाम पे हो, बेची नहीं जाएंगी। वो हमेशा ही हमारे घरों में रहेंगी, हमारे परिवारों में रहेंगी। साथियों, जब ये लड़कियां, हमारी खुद की बेटियां जब बेची जाती हैं, चार चार और नौ नौ बार लगातार बेची जाती हैं, कभी शादियों के नाम पे, कभी रोजगार के नाम पे, कभी किसी और नाम पे, कभी घनिष्ठता और इष्ट के नाम पे, तो साथियों हमारा समाज चुप रहता है। जब उनके साथ क्राइम होता है, जब उनके साथ जुल्म होता है, तो हमारा समाज चुप रहता है। मगर वही लड़कियां जब हम जैसे लोग, पुलिस, प्रशासन रेस्क्यू करके वापिस लाता है, तो यही समाज जिसके गले चोक होते हैं, जिसका गला रुंधा होता है, जो हमेशा चुप रहता है, उसके गले से आवाज निकलना शुरू हो जाती है और वो लड़कियों के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देता है। साथियों, वो जुल्म के शिकार हैं, वो मजलूम हैं, मगर हम जालिमों की तरह उनको डांटते, फटकारते और धुतकारते हैं। सच तो ये है कि जालिम हम हैं, लड़कियां खरीदते हम हैं, लड़कियां बेचते हम हैं, तो जरूरत है कि हम खुद के खिलाफ लड़ाई करें। यहाँ पे बात सरकारों की नहीं है, यहाँ पे बात पुलिस की नहीं है, यहाँ पे बात प्रशासन और कानूनों की नहीं है। हमारी पुलिस कोऑपरेटिव है, हमारी सरकारें चाहती हैं, हमारे कानून साजगार हैं, मगर हम चुप रहते हैं, हम कोशिश नहीं करते, हम बोलते नहीं हैं। और हद तक मैं कहूं कि हम ज्यादातर उन ट्रैफिकर्स के साथ, उन जालिमों के साथ, उन क्रिमिनल्स के साथ पान की दुकानों पर खड़े होकर के पान जमाते रहते हैं। साथियों, आज जरूरत है कि इस बात को समझा जाए कि ये जो भूखे भेड़िए हैं, ये जो दरिंदे हैं, ये जो हमारे ही समाज से, हमारे ही परिवार से पैदा हुए हैं, इनके दांतों को तोड़ना होगा, वरना किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन वो सुरक्षित नहीं है। ये बात अब सिर्फ गरीबों तक नहीं रही, ये बात आज तक है, आज तक पहुंची है। गरीब, अमीर, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, प्रशासन, जनता, कोई भी भेदभाव नहीं करते। ये ट्रैफिकर्स किसी भी
लड़की को कहीं भी उठा लेते हैं, और ये लड़कियां बहुत बड़ी नहीं होती, 12-12 साल, 13-13 साल, 14-14 साल की बच्चियों को ये लगातार उठा करके बेच रहे हैं। साथियों, ये संख्या हजारों में नहीं है, ये लाखों में नहीं है, हमारे देश में करोड़ों लड़कियां रोज बेची जा रही है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कहता है कि हर रोज 200 लड़कियां बेची जाती हैं, और वो बेचने वाला और वो खरीदने वाला कौन है? वो हम जैसे ही लोग हैं। वो कोई विदेशी से विदेशों से बुलाया गया इंसान नहीं है, वो कहीं बाहर से आया हुआ इंसान नहीं है। साथियों, मैं दिल्ली से आया हूँ, आपके भी यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ लोकल ऑर्गेनाइजर के बल पे मैं बोल रहा हूँ। मुझे यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, मैं बंगला नहीं बोल सकता, जाहिर है मुझे लोकल सपोर्ट चाहिए। ठीक इसी तरह वो जो ट्रैफिकर्स आते हैं, वो जो लड़की खरीद बेचने करने वाले आते हैं, उनको भी लोकल सपोर्ट मिलता है। उनके आपके परिवारों में है, वो आपके समाज में है। वो आइए आज हम रोकने की शपथ लें, और ना सिर्फ शपथ लें बल्कि करके दिखाएं। धन्यवाद।